हे गाइस, तो यहाँ पे हो रही है छठ पूजा के लिए प्रसाद तैयार किया जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आंटी, मम्मी और पूजा सभी लोग मिलके ठेकुआ तैयार कर रहे हैं। और साँझ में जाना है हम लोगों को सजिया आरक के लिए, आज बिहार का सबसे फेमस और इंडिया फेमस, वर्ल्ड फेमस छठ पूजा के लिए। चलो फिलहाल ब्लॉग को कंटिन्यूस करते हैं। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल रुद्रा पूजा टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। और अभी शिवांश तो सोया हुआ है मस्ती में, और मोहतरमा अभी उठ चुकी है, और रात में इसने खुद से मेहंदी लगाया था हाथों पे काफ़ी लेट तक। गाइस, तो यहाँ पे खजूर तैयार हो चुका है प्रसाद के लिए। ये जो प्रसाद का बनता है ना, ये आटा का बनता है, तो ये रेडी हो चुका है चूल्हे पे, आम के लकड़ी पे। मम्मी 4 बजे मॉर्निंग से ही मम्मी उठ के बना रही है, और अभी बनने वाला है ये मैदे वाला। तो भगवान जी को मैदे वाला नहीं चढ़ता है, आटे वाला चढ़ता है। तो ये प्रसाद के लिए बनता है, जो ये बनता है मैदे का। जय छठी मैया, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो बिहार का फेमस हैप्पी वाला छठ पूजा है, और उठते उठते मैं तो उठा और फ्रेश हो गया, और पूजा उठते उठते नहाने को गई है। वजह ये है, पूजा पाठ का कार्यक्रम है, उसको करना है, पूजा के लिए खजूर वगैरह तैयार करने हैं। तो यहाँ पे पूजा रेडी हो रही है, काफ़ी लेट है, मम्मी ने तो आधा काम कर लिया है, और मम्मी पता है 4 बजे मम्मी उठ के बना रही है, 4 बजे उठ के उनको आराम करना चाहिए, करने लगेगा ना उल्टी जैसे, उनको नींद टूट गया होगा ना सुबह वाले में, तो आराम से बना रही है। बोली मम्मी की 4 बजे से बना रहे हैं। पता है आपको ना, फास्टिंग बहुत डिफिकल्ट फास्टिंग होता है, 48 आवर का, 48 घंटे का फास्टिंग होता है। बहु काम चोर, हे गाइस, तो शिवांश उठ चुके हैं, और उठते उठते पहले किचन में भाग गए, फिर हम ऊपर से लेके आ गए नीचे। फैमिली, तो ये फर्स्ट घानी हमने डाला है, थोड़ा थोड़ा सा ही, क्योंकि ज्यादा खस्ता लग रहा है और टूट ना जाए इस वजह से। इसमें आंच भी देखना पड़ेगा ना, तो भूल जाएंगे समझेंगे कि बनाते रहना है, गैस चल रहा है। रात सब्जी का बाप रे, सारा आदमी बड़ाई किया। हाँ, अच्छा बनाए थे, अच्छा था। दादियों से 2 प्लेट खाई पसंद है। ये निकला है हमारा फर्स्ट खजूर, और बस 4 ही पहली घानी में डाला था, क्योंकि लग रहा था कि ज़्यादा खस्ता हो, ज़्यादा खस्ता होने की वजह से फैल जाता है, तो इस वजह से 4 डाला था। बस ये वाला हो गया, उसके बाद और इतना सारा अंदर रख दिया ना, इसलिए धान है जल रहा है, इन्हें से तोड़ तोड़ के रखते जाए। तो मम्मी दे रही थी, तो हम बोले कि पापा जी लाए हुए हैं, जरना रहने दो, लेकिन मम्मी ज़बरदस्ती दे दी है, कही है कि लेते जाओ, इसीलिए ले आए। मम्मी बोली कि ले जाओ ना, जरूरत पड़ेगा तो छोड़ देना। मुझे मम्मी बोल रही थी कि पापा जी ना ले आएंगे वो अथी नवरात्रि वाला झरना है ना, मम्मी को डार्क पसंद है ना कलर। अपने अपने उतर गया, घाट अभी साफ हो रहा है। हाय, ये गाइस 8 बज चुके हैं, और अभी हम जा रहे हैं घाट पे, जहाँ पे पूजा होने वाला है। चलो सिब्बू को भी लेके जा रहे हैं। शिवांशु, हे फैमिली, तो नीचे खजूर बन चुका है, जो भी प्रसाद वाला था वो भी बन चुका है, और जो मैदे वाला था वो भी बन चुका है। अभी ऊपर खाना बना रहे हैं, शिवू भी है, वो भी भूखा था और काफी ज्यादा रो रहा था मेरे पास आने के लिए। तो इसमें हमने शिवांश के लिए पहले मरगिल्ला बनाया था, तो शिवांश को वही खिलाया है, अभी जल्दी जल्दी मैं यही बना दिया। रात को काफी ज्यादा लेट से सोए थे हम, मैंने इस पूरे हाथ में ये वाला
इधर और इधर दोनों साइड खुद मेहंदी लगाया है, और कैसी लगाई है कमेंट करके बताना कि मैंने मेहंदी कैसी लगाई है। और इस वाले हाथ में मेरी ननद ने लगाया है कल, तो ये वाली जो मेहंदी उन्होंने लगाई थी उसके बाद बहुत सारा काम था, किचन में खाना बनाना था, ऊपर से खड़ना था कल, तो इस वजह से जल्दी से धो लिया। उन्होंने लगाया, सूखा भी नहीं था, पीछे वाला मेहंदी तो सूखा भी नहीं था, और फिर मैंने धो लिया क्योंकि शिवांश को भी पकड़ना था, खाना भी बनाना। और इसमें तो अच्छा खासा आया है क्योंकि ये तो रात भर मेरे हाथ में रखा लगा हुआ था। मतलब वैसे ना मेहंदी लगा के सोने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और आज मैंने चूल्हे पे खजूर बनाया, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैंने खजूर बनाया है लेकिन गैस पे बनाया है यहाँ पे, और चूल्हे पे मैंने पहली बार बनाया है और वो भी बहुत अच्छे से बन गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा भी धुआं भी नहीं हो रहा। पिछली बार जब बना था ना तो इतना ज्यादा धुआं, इनको अपना कार चाहिए, इन्होंने अपना फेंक दिया कार। और शाम से याद आया मुझे कि मुझे अपनी ड्रेस भी सिलेक्ट करनी है कि मुझे क्या पहनना है, कौन सा साड़ी। मैं आप लोगों से बातें कर रही थी, इधर मेरा दूध गिरने वाला था बस। फैमिली तो खाना पीना सारा कुछ हो चुका है, किचन भी साफ कर दिया है, और कपड़े धोने थे कुछ क्या एक बाल्टी से ज्यादा इन कपड़े। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, कुछ सामान हमें लाना है, सेब है, संतरा है और बहुत सारी चीज। तो सोचे हैं, एक बज चुके हैं और अभी जाके सारा फटाका वगैरह हमने खरीद लिया, शॉपिंग कंप्लीट हो गया छठ पूजा का। चलो अब घर चलते। मैंने दाढ़ी भी सेट करवाया, बाल भी सेट करवाया है, और क्योंकि दाढ़ी जब बढ़ जाती है ना तो फेस एक अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि मैं बीमार हूँ। दाढ़ी अगर सेप में होता है तो फेस एकदम ग्लोइंग और बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने इतना सारा पटाखा लिया, मम्मी देखेंगे तो गुस्सा भी करेंगे, बोलेंगे कि पैसे की बर्बादी, बट क्या करें, साल में एक बार फेस्टिवल आता है और हम लोगों का फेस्टिवल ऐसा है कि मतलब रहा नहीं जाता। वैसे भी हम बच्चे नहीं, मम्मी बोलती है तुम सियाने हो गए, फिर भी बच्चों की तरह हरकत करते रहते हो। और ये हमारा प्यारा सा घर तैयार हो चुका है, देख सकते हैं एकदम बहुत ही प्यारा। शाम के टाइम और ही ज़्यादा, शाम के टाइम में और भी बहुत खूबसूरत लगेगा, और इससे ज्यादा खूबसूरत लगेगा भुरवा अर्क में जब दिए वगैरह जलेंगे ना उस टाइम पे। काम ये है कि मुझे आईब्रो बनवाना है, कल ही बनवाना था लेकिन और आज छठ का सजी अर्क है, और एक्चुअली इसका आईब्रो बढ़ा हुआ था, इसने कल ही बोला था मुझे जब मम्मी के यहाँ गए थे हम लोग थे बनवाने के लिए, तो मैंने बोला छोड़ दो कल बनवा लेंगे। और अभी इतना भागम दौड़ है कि अभी डेढ़ बज चुके हैं और आधे घंटे में दौरा सजेगा, ठीक है, घाट पे जाने के लिए। और जल्दी जल्दी में हम जा रहे हैं, एकदम तेजी में जा रहे हैं, जल्दी से इसका आईब्रो बनवा के जल्दी से आ जाए। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, अभी मम्मी रेस्ट कर रही थी तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर में तो आ ही जाएंगे। गाइस तो 1:27 में चले थे और टाइम अभी हो गया 1:47 हो गया। फिलहाल पूजा आ रही है अभी, जल्दी जल्दी उसने भी आईब्रो बनवा लिया है। अभी मम्मी का नेल पेंट किया है और अभी पैर में कलर करने जा रहा है। कौन सा, ये कलर सही है? ठीक है ना, क्या कह रहा है? आज है सज्जी आरक और मसलजी आरक में जाने की तैयारी हो रही है। फिलहाल अभी मम्मी जी नहा धोकर जाना है ना, फिर नहाइएगा, तो वहाँ नहाइएगा। अब डायरेक्ट वहाँ पोखरे में नहाना है, मम्मी पहुँच चुके हैं और अभी 3 बज रहे हैं, 4 बजे से हमें निकलना है दौरा लेके घाट पे। तो अभी फिलहाल हम मॉर्निंग से नहाए नहीं है, तो नहा धोवा के फ्रेश हो जाते हैं और बाकी अभी दौरा रेडी करना है। फैमिली तो बहुत बड़ा पोपट हो चुका है, इन्होंने 2 कुर्ता सिलवाया था और एक रेड कलर का था, एक येलो कलर का था। मैंने सोचा था कि मैं येलो साड़ी पहनूंगी और आप येलो कुर्ता पहनना, लेकिन हो गया सारा बर्बाद हो गया क्योंकि कुर्ता इनका नाप लेके सिला था और इतना ज्यादा बड़ा है ना। और अभी तो मतलब घाट पे जाने की तैयारी भी हो रही है, नीचे मम्मी जो दौरा होता है वो सजा रही है कुर्ता। अच्छा नहीं लगेगा ना फिर, थोड़ी ना ऐसे करके होता है, पीछे से सिलाई आगे से हो जाएगा, पीछे दो जैसे सूट में नहीं। सांझ में सजिया अर्क होगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, इस ब्लॉग से विदा लेते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। चलो बाय बाय।